दयना तुलसी बासु थाउ आखि को श्रीमुख दिशु थाउ गरुड़ पछरे ठिया हेउ हेउ आपे आपे हाथ उठी जाउ एई भाग्य दियो महाबाहु तुमरी आखिरे आखि मिसिगले लुह दुई टोपा झरी जाउ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दुष्मंत आपन मानको स्वागत करूछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया मोटिवेशनल स्टोरी को। दर्शक बंधु, गंगा बहुत ही पवित्र नदी अटे। गंगारे स्नान करिले मनुष्य द्वारा करा जायथिबा पापरु मुक्ति मिलिथाय। गंगा स्नान कले पुण्य प्राप्ति होइथाय ओ सबु पाप नष्ट होइथाय। तथापि आम मनरे प्रश्न उठे, सत्यरे कोन गंगारे स्नान कले सबु पाप धोई जाए? एही विषय रे एक सुंदर कहानी रहिछि, तेबे आसंतु कहानी टी शुणिबा। हरपार्वतीक विवाहर किछि वर्ष पूरी जायथाय। दिने हर पार्वती हरिद्वार रे भ्रमण करुथांती। पार्वती देखिबाकु पाइले जे हजार हजार लोक गंगारे स्नान सारी तुंडरे हर हर जपुछंती, किंतु समस्ते दुखी ओ पापिष्ट परि लागुछंती। एहा देखि पार्वती शिवंकु पचारिले, प्रभु एमाने गंगारे स्नान करिबा परे मध्य एमानंकर दुख ओ क्लेश दूर हेउ नाही काहेकि? पापनाशिनी गंगांकर कौन सामर्थ्य नाही एमानंकर पाप ओ ताप को हरि नेबा पई? शिव कहिले, प्रिय एमाने केवल जल रे बुड़ पकेबा पई आसीछंती, गंगारे नुहे। पार्वती आश्चर्यचकित होई पचारिले, केमिति? शिव कहिले, एहार रहस्य तुमको मु काली बुझाई देबी। ता परदिन प्रबल वर्षा हेबाकु लागिला। रास्ता घाट गली कंदी सबुआडे पानी रे भरीगला। एवं गंगा स्नान सारी फेरुथुबा रास्ता रे गोटिए बड़ गातटिए थिला एवं गातर चारिपटे खसड़ा और चिकिटा कादुरे परिपूर्ण थिला। एबे महादेव निजर माया बल रे जणे वृद्ध वेश धारण कले एवं पार्वती को कहिले जे, शुण प्रिय, गंगा को जाउथुबा रास्तार बड़ गातटी रे मु खसी पड़िबी एवं असहाय रे अभिनय करिबी। एही समय रे तुमे मो पाखरे रही रास्तार जाउथुबा लोकमानंकु उच्च स्वर रे डाकिबो, कहिबो जे मो वृद्ध स्वामी गातरे पड़ जाइछंती, दया करि तंकु उद्धार करिवारे सहाय्य करंतु। शिव पुणी गोटे कथा कही रखिले जे, जदि केही हृदयवान व्यक्ति मते गातरु बाहर करिबाकु आसंती तेबे तुमे कहिबो जे मो स्वामी सर्वदा निष्पापी अटंती, तंकु जेउ व्यक्ति छुइबो से संपूर्ण निष्पापी होइथिबो, नचत छुइबा क्षणि से भस्म होइजिबो। पूर्व कथा अनुसार शिव वृद्ध वेश धारण करी गातरे पड़िगले एवं पार्वती गंगा स्नान सारी दल दल होई फेरुथिबा लोकमानंकु आकुल होई सहाय्य मागिले। किछि लोक आसिले सहाय्य करिबा पई, किंतु पार्वतींकर शर्त शुणी भस्म होइजिबा भयरे चलीगले। आउ किछि लोक सहाय्य कलेनि सत, किंतु पार्वतींकु नाना कटु कथा कहि निंदा देई चलीगले। आउ किछि लोक सहाय्य करिबाकु पड़िबो बोली बाट काटी चलीगले। दिन जाय संध्या हेबाकु बसिला, हेले केही जणे सहाय्य करिबाकु आसिले नाही। महादेव कहिले, देवी देखिल तो ये कि प्रकार लोक, एमानंक चिंताधारा कौन? एबे देखो, जदि केही आउ गंगा स्नान सारी फेरुथिबे तांकु कुह, नचेत आमे चली जिबा। एतिकि बेले जणे युवक हातरे कमंडलुटिए धरि आसुथिबार माँ पार्वती देखिले। पार्वती से युवकंक पाखकु जाई सहायता मागिले। वृद्धंकर एभळी अवस्था देखि युवकटीर हृदय तरळीगला। वृद्धंकु सहाय्य करिबा पई से आगमन होई बाहरी पड़िले एवं पार्वती युवक जणंकु कहिले कि, देख मो स्वामी संपूर्ण निष्पापी अटंती, तुम्हें जदि संपूर्ण निष्पापी होइनथिबो तेबे तुम्हे तांकु छुइबा क्षणि भस्म होइजिबो। युवकटी बिना संकोचरे उत्तर देला, माँ मु निष्पापी हेबार तोते काहीकि एते सन्देह? तु देखिपारुनु कि मु एबे गंगा स्नान करि फेरुछि? पापनाशिनी गंगारे गाधेइ सारिला परे भला ए पाप आउ कोन रहिथिबो? तु निश्चिंत रह मा, मोर किछि हबनी। एहा कहि गातकु डेई पड़िला ओ वृद्धंकु उद्धार करि कहिला, मा एइ ने तो स्वामींकु। शिव पार्वती युवकटीकु उपयुक्त पात्र भाबी निज निज वास्तव स्वरूप दर्शन दे कृतार्थ कराइले। अतुट श्रद्धा ओ विश्वासर महिमा विषय रे बुझाई अखंड प्रज्ञार अधिकारी हुओ बोली आशीर्वाद दे स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले। आजर भिडियोटी एठी समाप्त हला।
तेबे दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण मानक केमी लगला कमेंट बॉक्स को जाए मतामत देबे भल लगी लाइक करेंगे सांग मानक सेयार करेंगे जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आजपाई रही नमस्कार जय जगन्नाथ।